सरायकेला जिला में राजद के जिला अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में राजद का स्थापना दिवस मनाया गया। 24वें स्थापना दिवस में राजद के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम मनाने की शुरुआत राजद के कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव के नारे के साथ की। केंद्र सरकार के खिलाफ पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ एक साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें तमाम सैनिकों के साथ राजद के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर यह बताने का प्रयास किया कि झारखंड में जो महंगाई पेट्रोल और डीजल के रूप में बढ़ी है, वो न केवल हैरान करने वाली है बल्कि परेशान भी कर रही है। मजदूरों को जिस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन के सरकार में के नेतृत्व में लाया गया, वो सराहनीय है। 24वां स्थापना दिवस हमने पूरे बिहार में, पूरे झारखंड में हम मना रहे हैं। आज के दिन हमारी पार्टी के 24 साल हो गया। आज हम लोग स्थापना दिवस साथ साथ हम लोग साइकिल जुलूस हम लोग आज जो निकाले हैं। आज जो प्राय दिन आप देख रहे हैं डीजल और पेट्रोल का दाम जो दिन पर दिन मूल्य वृद्धि हो रहा है, ये झारखंड कोई दिल्ली या कोई बम्बई नहीं है कि यहाँ पर लोग ऐसे तबके के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ इंडस्ट्री है, यहाँ छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं। लोग अपना मजदूर तबके के लोग हैं जो अपना जो डेली कमाने खाने वाला और डेली जो मेहनत मजदूरी करने वाले अपने जो पेट के लिए जो घर से निकलते हैं, दो रोटी के लिए अपना भटक के शाम को आते हैं। आज जो लॉकडाउन में जो भुखमरी में जो स्थिति जो पैदा हुआ था, हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इसको जो डीजल पेट्रोल का दाम अविलंब इसको वापस लिया जाए। ये मैसेज भेज देना चाहते हैं कि आज जो हम स्थापना दिवस जो पार्टी को मना रहे हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि पूरे सब जगह पूरे राज्य से बिहार से संदेश जाए या जो पार्टी राजद का 24वां स्थापना दिवस है, साथ साथ साइकिल रैली हम लोग विरोध हम लोग कर रहे हैं केंद्र सरकार को जो गलत नीति है, जो लोगों का तरह तरह का झूठा जो आश्वासन देते हैं। हमारे सबसे हम पहले बधाई दे देना चाहते हैं हमारे माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को, जो श्रमिकों को जो स्पेशल ट्रेन चलाकर जो सुरक्षित जो आज झारखंड में लाने का जो काम किए, वो जो भी मजदूर आए हैं वो मजदूर सुरक्षित हैं, उनमें कोई कोरोना नहीं पाया गया है। पहले उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि सौतेला व्यवहार नहीं करें, सब लोग एक समान देखें। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देते हैं कि लोग सही कदम उठाए हैं। आज जो जगह जगह जो है, आज जो पूरे लोगों का जो मेन उनका उपदेश रहा है कि कोई भी झारखंड में रहने वाला मजदूर तबके के लोग है, पूरे झारखंड में 3.5 करोड़ आबादी जो है, कोई भूखे नहीं सोएगा, सबको भरपेट अनाज देने के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी का जो है, लोग जनता जो अपना तन मन जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।